सब्सक्राइब कीजिए सारिकास फूड पार्लर चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे जाके जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारिकास फूड पार्लर। आज की रेसिपी है रॉ मैंगो आइसक्रीम, यानी कि कच्चा आम का आइसक्रीम। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है सारिका, आप आए हैं सारिकास फूड पार्लर में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में दूध डालेंगे। यहाँ हमने एक कप दूध लिया है, पैन में एक कप से थोड़ा कम दूध डालेंगे और बाकी दूध को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी दूध में उबाल आ गया है, तो जो दूध हमने बचा के रखा था उसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हम दूध में डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम में दूध को ऐसे चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से आइसक्रीम का टेक्सचर थिक और क्रीमी होता है और आइसक्रीम खाने में एकदम मार्केट जैसा लगता है। तो दूध गाढ़ा होने तक इसको ऐसे मिलाते रहेंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि दूध में कोई लंप ना आ जाए। तो अब देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है। हमने दूध में कॉर्नफ्लोर डाला था इसलिए दूध का टेक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है। तो अब इस टाइम पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा कर लेंगे। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में एक कप छोटे पीसेस में कटा हुआ कच्चा आम डालेंगे। आप चाहे तो आम को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब डाल देंगे हाफ कप चीनी, अब डाल देंगे हाफ कप पानी। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। आम सॉफ्ट हो जाने तक इसको हम मीडियम फ्लेम में ऐसे ही पकाते रहेंगे। लगभग 7 से 10 मिनट लगेगा आम सॉफ्ट होने में, तो 7 से 10 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम में इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। तो अब देखिए आम का कलर चेंज हो गया है, आम सॉफ्ट हो गया है और चीनी भी अच्छे से घोल गया है। तो इस टाइम में हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और आम के मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। आम के मिक्सचर को ठंडा करके एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक बोल में ब्लेंड किया हुआ आम का मिक्सचर हम डाल देंगे। तो देखिए एकदम स्मूथ मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ मैं अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख के ठंडा कर लिया है। हमें यहाँ एकदम चिल्ड क्रीम यूज़ करना है, तो क्रीम को एक बोल में डाल देंगे। अब एक इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से क्रीम को ऐसे 6 से 7 मिनट के लिए हाई स्पीड में ब्लेंड करना है, जब तक क्रीम थिक होना स्टार्ट ना हो जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर ना हो तो आप इसके जगह हैंड व्हिस्कर या फिर मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। सात मिनट हो गया है, हमने क्रीम को 7 मिनट के लिए हाई स्पीड में ब्लेंड किया है और आप अब देख सकते हैं कि क्रीम थिक होना स्टार्ट हो गया है। आप क्रीम में आम का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर डाल देंगे। अब डाल देंगे दूध और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने सबसे पहले बना के ठंडा कर लिया था। अब डाल देंगे 1/3 कप कंडेंस मिल्क। अब इसमें डाल देंगे 5 to 7 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और आइसक्रीम मिक्सचर तैयार हो गया है। आइसक्रीम सेट करने के लिए एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर में आइसक्रीम मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप कंटेनर का ढक्कन लगा देंगे। अब इसे 8 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रीजर में आइसक्रीम सेट होने के लिए। आठ घंटे बाद हमने आइसक्रीम कंटेनर को फ्रीजर से निकाल लिया है और देखिए कितना अच्छा से आइसक्रीम सेट हो गया है, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमी है। तो अब हम आइसक्रीम को एक बोल में सर्व कर लेंगे। आइसक्रीम सर्व करने के लिए एक आइसक्रीम स्कूपर से हम आइसक्रीम को स्कूप करेंगे और एक बोल में हम सर्व करेंगे।
और देखिए हमारा एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।